एक तरफ बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता विकास से कोसों दूर है। पुष्पराजगढ़ के खजूरवार में पुरुष महिलाओं ने जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से गुहार लगाई है कि सड़क आवास योजना बिजली की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है, जिससे सरकार के झूठे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। समस्या लेके आए हैं रोड, बस और क्या है? रोड सोखता गड्ढा, शौचालय भी नहीं है, आवास भी नहीं दे रहे हैं, मतलब जनता लोग हमको। और क्या क्या मूलभूत सुविधा नहीं है आपके यहाँ? कुछ भी नहीं है। पंचायत की समस्या, हमारे गांव में रोड नहीं बना है सर। और क्या है? रोड भी नहीं है, हैंडपम्प भी नहीं है, और आवास भी हमारे यहाँ बहुत कम है। सोखता गड्ढा क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? बनवाएंगे बोलते हैं, बनवाते तो नहीं है सर। मुख्यतः सरपंच और सचिव के खिलाफ में शिकायत की गई है, उनके द्वारा मस्टर रोल नियमितताएँ की गई हैं। कलेक्टर महोदय के समक्ष में इस पॉइंट को रखा था, तो सर के निर्देशक के 3 सदस्यीय टीम बनाए, उसकी जांच कराई है। तो हम लोग इसमें जांच करके जो भी जांच समिति का डिसीजन आता है उसके हिसाब से करेंगे।